हेलो ऑल, दिस इज विनय सिंह फ्रॉम wishacademy.com एंड इन दिस वीडियो हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू पीएचपी। सो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ व्हाट इज पीएचपी, पीएचपी की क्वालिटीज, पीएचपी की कैपेबिलिटीज एंड आप में क्या एलिजिबिलिटीज होनी चाहिए, क्या योग्यताएं होनी चाहिए एंड व्हाट यू नीड टू स्टार्ट, कौन कौन सी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए इन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू स्टार्ट पीएचपी। सो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज पीएचपी, लेट्स स्टार्ट विद इट। व्हाट इज पीएचपी? PHP is an open source server side scripting language created by Rasmus Ledoff in year 1994 and primarily for web development. It works on web and executes on server, so you can call it a web-based software development language. Let me explain these English lines. PHP is an open source. Open source matlab you can use it for commercial projects too in free. आप अपने प्रोजेक्ट्स के लिए इसे बिल्कुल फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं, ये एकदम मुफ्त है। आपको इसे यूज़ करने के लिए कोई लाइसेंस बाय करने की ज़रूरत नहीं है। देन सर्वर साइड मतलब इट एग्जीक्यूट्स ऑन सर्वर, ये क्या होता है ये मैं बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में, सो यू नो कि सर्वर साइड का मतलब क्या होता है। एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, इट्स अ कोडिंग लैंग्वेज मैन, आप इसमें कोड करते हैं। वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर क्या होता है? वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर मतलब वेब एप्लीकेशंस, वैसी एप्लीकेशंस जो रन होती है ब्राउजर्स पर एंड यूज करती है इंटरनेट। ओके, सो हियर इज पीएचपी। पीएचपी क्या है? पीएचपी इज एन ओपन सोर्स सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वालिटीज ऑफ पीएचपी। पीएचपी में क्या क्या क्वालिटीज होती हैं? पहली क्वालिटी है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी। आप इसे एचटीएमएल कोड के साथ इम्बेड कर सकते हैं एंड किसी भी पॉपुलर डाटाबेस लैंग्वेज के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वालिटी इज इट्स सिंप्लिसिटी। इसे सीखना आसान है, यूज़ करना आसान है और इसके सिंटेक्स पर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करना होता, मतलब वाइट स्पेस सेमी कॉलन्स इन पर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली कॉन्सेंट्रेट नहीं करना होता। सो पीएचपी हैव सिंप्लिसिटी। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी। पीएचपी सिक्योर है क्योंकि आपका डाटा इनक्रिप्ट कर सकती है, डिक्रिप्ट कर सकती है एंड आपके डाटा ट्रांसफ़र को सिक्योरली रिसीव कर सकती है सिक्योर मेथड्स के थ्रू। एंड इसका जो सोर्स कोड होता है वो ब्राउजर में विजिबल नहीं होता जिस तरह HTML एंड JavaScript का विजिबल होता है। सो PHP इज सिक्योर एंड PHP इज फेमिलियर टू। इसके सिंटेक्स जो है वो बहुत आसान है। अगर आपने C लैंग्वेज पढ़ी है तो C लैंग्वेज की तरह इसके सिंटेक्स होते हैं एंड आपने JavaScript पढ़ी है तो JavaScript के सिंटेक्स भी इसी तरह होते हैं। सो PHP सीखने में आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं आने वाली है। नेक्स्ट इज इट्स एफिशिएंसी, इसकी दक्षता, ये क्या क्या कर सकती है। पीएचपी का यूज़ करके आप डायनामिक वेबसाइट बना सकते हैं, वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, MVC क्रिएट कर सकते हैं, CMS क्रिएट कर सकते हैं। सो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू विद पीएचपी। पीएचपी की कैपेबिलिटीज, पीएचपी के थ्रू आप और क्या क्या कर सकते हैं? वेल, पीएचपी के थ्रू आप सर्वर पर डायरेक्टरीज, फाइल्स एंड डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, इन्हें रीड कर सकते हैं, इन्हें अपडेट कर सकते हैं एंड इन्हें डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा आप पीएचपी के थ्रू मेल भेज सकते हैं एंड इसके अलावा आप पीएचपी के थ्रू वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, सोशल नेटवर्क साइट बना सकते हैं, यू नो समथिंग लाइक फेसबुक, एंड ई कॉमर्स साइट बना सकते हैं जहां पर आप अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, एंड डायनामिक वेबसाइट्स बना सकते हैं जहां पर डाटा होगा डाटाबेस पर, एंड यू नो व्हाट आई मीन बाय डायनामिक वेबसाइट्स। इसके अलावा आप चाहें तो वर्डप्रेस जैसा CMS बना सकते हैं या कोड इग्नाइटर एंड केक PHP जैसा MVC भी बना सकते हैं। ओके, एंड इसके भी अलावा आप PHP से कुकीज़ एंड सेशंस कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं, ये वाली कुकीज़ नहीं, PHP की कुकीज़ अलग होती है। सो हम आगे बढ़ेंगे उसके बारे में, कौन सी कुकीज़ के बारे में बात कर रहा था। एंड इसके अलावा आप फॉर्म डेटा को ट्रांसफ़र एंड रिसीव कर सकते हैं। बट इसे सीखने के पहले आप में क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या आप योग्य हैं? वेल, लेट्स चेक। PHP सीखने के पहले आपको होना चाहिए कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज, कोडिंग का बेसिक नॉलेज एंड एक शार्प एक्टिव लॉजिकल माइंड। सो जनरल नॉलेज आई थिंक कंप्यूटर का आपको है, यू नो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। एंड कोडिंग का बेसिक मतलब आपको जनरली HTML का नॉलेज होना चाहिए, आपको CSS में मास्टर होने की भी ज़रूरत नहीं है। एंड एक्टिव एंड लॉजिकल माइंड होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम PHP में लॉजिक्स क्रिएट करते हैं। सो लॉजिक्स बनाना हम धीरे धीरे इस सीरीज में सीख जाएंगे। अब बढ़ते हैं आगे। इसके अलावा द थिंग्स यू नीड टू स्टार्ट, आपके पास कौन कौन से हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर होना चाहिए जब आप PHP सीखना शुरू कर रहे हैं तब। फर्स्ट थिंग, आपके पास एक कंप्यूटर होना चाहिए। आप मोबाइल में PHP कोड ठीक से नहीं कर सकते एंड ना TV में कर सकते हैं।
यू शुड हैव अ कंप्यूटर और अ लैपटॉप. ओके, देन आपके कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर एक कोड एडिटर होना चाहिए. ये हो सकता है सबलाइम टेक्स्ट, ड्रीम वीवर, कंटेक्स्ट, नोटपैड प्लस प्लस या नेटबीन या वो जिसे आप पसंद करते हैं, एनी ऑफ योर फेवरेट थिंग. इसके अलावा होने चाहिए एक ब्राउज़र. इट कैन बी फायरफॉक्स, क्रोम, ओपेरा, सफारी एंड इट ऑल्सो कैन बी इंटरनेट एक्सप्लोरर इफ यू लव इट. इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया था कि PHP जो है वो सर्वर पर एग्जीक्यूट होती है, तो आपके पास होना चाहिए एक सर्वर. ओ वेल, सर्वर आपको बाय नहीं करना है बल्कि सर्वर आपको इंस्टॉल करना है. सर्वर यहाँ पर दो तरह के हैं, लोकल होस्ट या लोकल सर्वर एंड ग्लोबल सर्वर. ग्लोबल सर्वर जब आप डोमेन नेम एंड होस्टिंग बाय करते हैं तो आपको एक वर्चुअल या शेयर्ड सर्वर मिलता है. इनिशियली वो एक सर्वर होता है, और या फिर आप कंप्यूटर में वैम्प या जैम्प या लैम्प या मैम्प इंस्टॉल कर सकते हैं, वो भी लोकल सर्वर्स होते हैं. सो यहाँ पर इस सीरीज में हम लोकल सर्वर्स पर काम करेंगे, वैम्प या जैम्प पर, जिसे इंस्टॉल करना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ. एंड अगर आप ग्लोबल सर्वर यूज़ करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं मेरा वीडियो हाउ टू गेट डोमेन नेम एंड होस्टिंग 100% फ्री. क्लिक ऑन दिस लिंक एंड गेट योर ग्लोबल सर्वर विथ 100GB होस्टिंग इन फ्री. सो जब आपके पास कंप्यूटर होगा, उसमें कोड एडिटर होगा, विथ ब्राउजर होगा एंड आपके पास सर्वर होगा, तो सारी चीज़ें काम करने लगेगी. अब आपको चाहिए आप खुद, जो कि आप हैं. सो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ PHP. सो PHP की पूरी सीरीज को सिंसियरली फॉलो कीजिएगा एंड प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि जब PHP एकदम से आएगी तो कुछ ऐसा होगा. Easy. Keep practice till then. Please don't forget to like this video, don't forget to subscribe and don't forget to share this video. Knowledge ko share kijiye apne friends ke saath. See you next video. Till then, happy coding.